बिसम वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट गो विज़िट माई प्रोफाइल एंड डू सब्सक्राइब डू हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ तो ए फैमिली आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी एंड डू सपोर्ट मी टुडे वी हैव

एक लिंग्विस्टिक्स डायमेंशन है सोसाइटी की माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक जो है रेफ़र करती है कि वो लिंग्विस्टिक स्टाइल्स की जो है रिसर्च की जाए उस पर जोर डालती है जिसमें हमारे पास आ जाता है डायलैक्ट एक्सेंट जारगन्स रजिस्टर स्टाइल सब आ जाते हैं इनकी वेरिएशन पर ठीक है तो रजिस्टर क्या है हमारे पास रेफर टू द दरयटी ऑफ ए लैंग्वेज यूज ए पार्टिकुलर सोशल सेटिंग और फॉर ए पार्टिकुलर रीज़न तो रजिस्टर जो है इस चीज़ का हमें जो है रेफर करता है कि हम लैंग्वेज की वैरायटी को एक पार्टिकुलर सोशल एक मखसूस जो है सोशल सेटिंग में या फिर एक मखसूस रीज़न पर जो है उस क्या करें कि उसकी वैरायटी को लैंग्वेज की वैरायटी को यूज़ करें माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स एज नेम इंडिकेट्स एम्स टू एलिसट द माइनर डिटेल्स स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ लैंग्वेज अगर मैं ये इंग्लिश भी साथ पढ़ूंगी तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा तो मैं जस्ट आइडिया आपको देने लगी हूँ आप खुद रीड कर लीजिएगा स्लाइड्स को तो माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक के नाम से ये चीज़ वाजिया होती है कि इसमें जो मामूली मा, मालूम है उसको निकाला जाए जैसे कि मुख्तफ़ान की वाइटीज़ हैं उसका जो स्पेशली मखसूस जो उसका स्ट्रक्चर है ना उसके बारे में बात हो रही है माइक्रो लिंग्विस्टिक जो है वो क्या करता है कि वो एनालाइज़ करता है अफेक्ट को किसके अफेक्ट को सोसाइटी का अफेक्ट एक पर्सन के जो आइडियोलेक्ट है उससे कैसे पड़ सकता है लाइक like, एक पर्सन जो है वो कैसे दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जुबान किस तरह से इनका एक मीडियम बनी हुई है ठीक है द एम्फोसिस इज लार्जली अपॉन द स्ट्रक्चर फीचर्स एंड यूजली फोकस ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट बाई यूजिंग लैंग्वेज एज देयर मीडियम जैसे मैंने पहले बात कर दी कि ये चीज़ पे जोर डालता है कि इस चीज़ को वो पढ़े उस चीज़ को चेक करे कि कैसे लोग बात कर रहे हैं ज़ुबान के ज़रिए कैसे एक दूसरे के साथ उनका जो है मेल जोल बढ़ रहा है और इसमें किसकी स्टडी की जाती है डायलैक्स एक्सेंट रजिस्टर स्टाइल्स और जर्गन्स वगैरह की अगर मुझसे बात की जाए तो ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है द पैटर्न दैट एग्जिस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ ए पार्टिकुलर सोसाइटी कि एक माशरे में रहते हुए किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है ये उसकी स्टडी है अब हमारे पास इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक क्या करता है कि वो इस चीज़ पर जोर डालता है कि लिंग्विस्टिक परसेप्शन की रिसर्च की जाए फिनोलॉजिकल इसको कैसे वो इस चीज़ की वजाहत करता है कि डिफरेंस एक्सप्लेन करता है डिस्कस करता है इस चीज़ की बहस होती है डायलैक्ट्स और डिस्कोर्स वेरिएशन के दरम्या मेल और फीमेल स्पीकर्स के दरियान कि इन दोनों के बात करने का स्टाइल डिफरेंट होता है ऑब्वियसली डिफरेंट होता है इट इज़ ड्रिवन विद क्वालिटेटिव और ये क्वालिटेटिव यानी कि एंथ्रोपोलॉजी से निकला है माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक इन नैरो सेंस इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी ऑब्वियसली कि लैंग्वेज सोसाइटी से ही रिलेट करती है उन्होंने बताया कि माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक की जो एक सेंस है ना वो उसका मेन कंसर्न क्या है कि लैंग्वेज की स्टडी को जो है माशे के साथ रिलेट करना नेक्स्ट हुई है माइक्रो सोशल

क्या है जी माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स माइक्रो सोशल लिंग्विस्टिक्स में इस चीज़ को देखा जाता है कि एक पर्सन जो है वो अगर किसी जगह पे जा रहा है लाइक अगर हम चले जाते हैं जी हम इस्तल चले जाते हैं तो हम वहाँ की टर्किश को बोलना पसंद करेंगे ताकि लोग हमें आसानी से समझ सके ऐसा ही है ना तो वो यही बात करते हैं कि लोग अपनी ज़ुबान को छोड़ देते हैं इमिग्रेंट्स जो हैं वो अपनी ज़ुबान को छोड़ देते हैं और जो वहाँ के लोग हैं उनकी ज़बान की अपना लेते हैं तो डेफिनेटली कि हम उस माशरे में उन जैसा होने के लिए होकर उनको ताकि हमारी बात समझ आए तो हम से लैंग्वेज की तरफ आते हैं ठीक है द मैक्रो वायटी ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक इज वेरी ऑफन द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज राम शाह ने नाइनटीन एटी सेवन में ये बात बताई कि जो मैक्रो वैरायटी है ना सोशल लिंग्विस्टिक की वो सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज ही है यानी जुबान को माशरे से रिलेट किया है और जो इसके रिसर्च एरियाज़ हैं उसमें इंट्रैक्शन बिटवीन लैंग्वेज को ले आए कि मुस्लिम ज़बानों के दरमियान में किस तरह से इंट्रैक्शन होती है इट टू एनालाइज द राइज इन फॉल ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज इन अ सोसाइटी और यहाँ पे एक जुबान के उतार और चढ़ाव के बारे में बात की गई कि ये इस चीज़ का तजिया करती है कि एक मखसूस लैंग्वेज जो है एक सोसाइटी में किस तरह से वो फाउ लैंग्वेज हो जाती है और किस तरह से वो एक डवेलप्ड लैंग्वेज हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ लैंग्वेज वाइटीज़ अक्रॉस वेरियस ग्रुप सचैसे सोशल एंड इकानिकल क्लासेज जेंडर एज ग्रुप नेशन और यूमन फैमिलीज और फ्रेंडशिप नेटवर्क जैसे कि ये चीज़ डिट जो है तकसीम की गई है लैंग्वेज वराइटीज जो है कैसे सोशल माशर्ती तौर पर ठीक है इकनॉमिक क्लासेज जो है यानी कि हर चीज़ पर बेस करती हैं ना जेंडर में भी लैंग्वेज के साथ उसकी वेरिएशन इस तरह से है कि हम जेंडरली जो है डिफरेंट करते हैं बुज़ुर्गों के साथ हम डिफरेंट टोन में बात करते हैं बड़ों के साथ जो हमारे साथ के हों उनके साथ डिफरेंट से बात डिफरेंट वे में बात करते हैं और जो हमारे बड़े होते हैं तो सम टाइम हम उनके साथ बदतमीजी भी कर जाते हैं है बात के नहीं नेशंस टू नेशंस भी वेरिएशन है ना कि अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं इवन फैमिलीज़ टू फैमिलीज भी वेरिएशन है ना कि वो अपने फैमिलीज का अपने कहते हैं ना कि जुबान जो है उस जुबान से हम अपना बैकग्राउंड भी बताते हैं तो वही हाल है इसमें उन्होंने इसी चीज़ को डिस्कस किया कि जब बच्चा जब आप रहे हो ना तो अपना बैकग्राउंड भी शो करोगे तो जब भी बोले सोच के बोले अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं तो ये सबसे पहले फोकस करता है सोशल फैक्टर पे फिर ये इंट्रैक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलैक्ट बात हम जैसे कर रहे हैं और जो डायलैक्ट यानी कि दो तरीके जो हमारे पास हैं करने के बात करने के तरीके का जो हमने इस्तेमाल किए हुए हैं रखे हुए हैं जिनको हम बहुत अहमियत देते हैं कि जी हमने इस तरीके में बात करनी है स्टेबलाइजेशन ऑफ मिनोरिटी लैंग्वेज जैसे कि कुछ इलाकों में या कुछ एरियाज़ में चले जाओ तो लोग ऐसे समझते हैं पंजाबी ज़बान बोलना ही कोई गुनाह है शायद यानी कि हमने अपनी मिनोरिटी लैंग्वेज को स्टेबलाइज भी करना है ये नहीं कि बस डर के बैठ जाओ तो हमने उर्दू या फिर इंग्लिश को ही बोलना नहीं आप जिस कल्चर में रह रहे हो उस कल्चर को रिप्रेजेंट करो माइक्रो सोशल इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड कल्चर इन द कंप्रेसिव सेंस तो वही पे बात आ गई कि माइक्रो सोशल में हम क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज की किस से रिलेट करके सोसाइटी से रिलेट करके कल्चर से रिलेट करके थैंक यू सो मच आज का टॉपिक हमारा हुआ कंप्लीट अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो डोकोम आई विल देयर टू सर्व यू thank you so much do support me a lot